और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। दिल्ली में सर्दियों में प्रदूषण की बड़ी वजह पराली के धुएं को माना जाता है, जो दिल्ली और आसपास के राज्यों से आता है। किसान नई फसल के लिए खेतों को खाली करने के लिए बड़ी तादाद में पराली जलाते हैं, जिससे दिल्ली का दम घुटता है। अब इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली के एक युवा इंजीनियर ने एक नई तकनीक पर काम शुरू किया है, जिससे अब पराली न तो किसानों के लिए समस्या होगी और न ही प्रदूषण की वजह बन पाएगी, क्योंकि दिल्ली के अर्पित धूपर इस पराली से इको फ्रेंडली सामान बना रहे हैं। थर्मोकॉल जैसी दिख रही ये चीज विकल्प है पराली के धुएं से बचाव का। कोशिश है दिल्ली को जहरीली धुएं से मुक्ति दिलाने की। पहल है किसानों की समस्या सुलझाने की। दरअसल दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहने वाले युवा इंजीनियर अर्पित धूपर एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिससे पराली से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। करीब 2 साल लंबी रिसर्च के बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम शुरू किया, जिससे न सिर्फ किसानों की पराली की समस्या हल हो रही है बल्कि उन्हें फायदा भी मिल रहा है। बायोलॉजी की मदद से कुछ इससे यूजफुल आइटम्स बनाते हो, तो मैंने उस पर रिसर्च करी, मेरे को 1.5 साल और रिसर्च का लगा। फाइनली 2022 के एंड में फाइनली मैंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया जिससे कि मैं इस पराली को एक थर्माकोल के अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो थर्माकोल से सुपीरियर है प्रॉपर्टी में, लेकिन कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इस सॉल्यूशन से हमारी 2 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एक तो पराली जलने की जिसे इतना भयंकर एयर पॉल्यूशन हो रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है थर्माकोल या प्लास्टिक पॉल्यूशन की। अर्पित फिलहाल पराली से बायोडिग्रेडेबल थर्मोकॉल बना रहे हैं, मतलब बाजार में उपलब्ध थर्मोकॉल का एक ऐसा विकल्प जो पूरी तरह इको फ्रेंडली है। ये पराली और मशरूम को मिक्स करके बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल सामान की पैकेजिंग में होता है। इस इको फ्रेंडली थर्मोकॉल को बनाने के लिए सबसे अहम है पराली, जो किसानों के लिए समस्या है, और इसका धुआं लोगों के लिए खतरा। लेकिन अर्पित के सामने समस्या ये थी कि बड़ी तादाद में पराली का संरक्षण कैसे हो। इसके लिए उन्होंने एग्रीगेटर के साथ समझौता किया। एग्रीगेटर मतलब जिनके पास बंडलिंग मशीन हो, जो किसानों की पराली को इकट्ठा कर सके। अब अर्पित एग्रीगेटर से जरूरत भर पराली हर महीने खरीदते हैं। इससे सबका फायदा होता है, किसानों का भी, अर्पित और एग्रीगेटर के बिजनेस का भी। इसको हम बोलते हैं अपनी बिजनेस की लैंग्वेज में विन विन सिचुएशन, यानी एक वो किसान जिसको कि आग लगानी पड़ रही थी, अपना खेत खराब करना पड़ रहा था, अगली बार ज़्यादा यूरिया डालना पड़ रहा था, उसका खेत क्लियर हो गया मात्र 3 घंटे में, उसको फटाक से खेत मिल गया। एक एग्रीगेटर जिसने पूरा ट्रांसपोर्टेशन किया, कलेक्शन किया, मुझे सप्लाई किया, उसका पैसा मिला 2,500 रुपये टर्म, हम उसको कंपनसेट करते हैं। और फाइनली मैं जिसने वो मटीरियल लेके एक उससे वैल्यू एडेड आइटम बनाया, यानी कि ऐसे मटेरियल बनाया जिसकी कि मार्केट में डिमांड है, तो हमने उसको सेल करके अपना बिजनेस चलाया। अर्पित के इको फ्रेंडली थर्मोकॉल की बाजारों में खूब डिमांड है, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की भी है कि पराली जलाने को मजबूर किसानों की वो मदद कर पा रहे हैं, दिल्ली को पराली के धुएं से मुक्ति दिलाने में भूमिका निभा रहे हैं, और इको फ्रेंडली थर्मोकॉल के जरिए पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं। अनामिका गौड़, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।